आपको जानकारी देने वाला हूं, 16 नवंबर को सूर्य संक्रांति है, सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होने वाला है। कुछ अच्छे हालात होंगे, कुछ खराब भी होंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह परिवर्तन करता है कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन यह तो दावे के साथ बोला जा सकता है, क्योंकि सूर्य अभी नीच अवस्था में है। 16 तारीख को ये नीच अवस्था से निकल जाएंगे, 17 तारीख से वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। वृश्चिक राशि मित्र मंगल की है, लेकिन समस्या एक आन खड़ी हुई है कि वृश्चिक राशि में केतु के साथ युति हो रही है और सूर्य और केतु का ग्रहण दोष बनता है, और ये ग्रहण दोष नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सूर्य जब जब केतु के साथ आता है, जब जब राहु के साथ आता है, तो सूर्य से संबंधित 5 चीजें तकलीफ में आती हैं। जो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, राजसत्ता संभाल रहे होते हैं, उनमें से किसी भी बड़े नेता को कहीं ना कहीं कष्ट, दुर्घटना, इस प्रकार का योग बनता है। दूसरा, इस सूर्य केतु के योग में जो लोग हार्ट से संबंधित तकलीफ झेल रहे हैं, उनके लिए भी ये नकारात्मक होता है, क्योंकि सूर्य पेट का कारक है, हार्ट का कारक है, आंखों का ऑपरेशन होना आंखों का कारक है, और हड्डियों में तकलीफ। अब कुछ चीजें तो मैं स्वयं भी भुगत रहा हूं, जब से सूर्य नीच हुआ हड्डियों में तकलीफ। अब देखिए, खामा कहीं से उंगली में तकलीफ हो गई, कभी यहां तकलीफ हो गई है, कभी पैरों में तकलीफ है, कभी घुटनों में तकलीफ है, जब कुछ नहीं है। डेली मैं एक्सरसाइज करता हूं, योगा करता हूं, वॉक करता हूं, ध्यान भी करता हूं, और डेली का रूटीन का वही खाना भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई तला हुआ खाता हूं, बना हुआ खाता हूं, या कोई ऐसी चीजें खाता हूं, लेकिन फिर भी पीड़ा आती है, क्योंकि ऊपर से जो सैटेलाइट है ग्रहों की, वहां से रेज कम हो जाती है। इन चीजों में तो रिलीफ आएगा, लेकिन केतु के युति में चोट, दुर्घटना, हार्ट पे इफेक्ट आना, यहां सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम लोग बहुत सावधानी बरतते हैं, उसके बावजूद भी तकलीफें तो आती हैं। कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे गुरुजी, आप तो इतने सब कुछ को, दुनिया को समझाते हैं, बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको तकलीफ। हमने कहा भैया, ग्रह खराब है, क्या कर सकते हैं आप, जब ग्रह तो किसी के भी खराब हो सकता है। तो मित्रों, 5 चीजें सूर्य के पास है ज्योतिष में, आंखें, हड्डियां, पेट, हार्ट, इनको तकलीफ कहीं ना कहीं वो देगा, तो इनसे आपको बचाव करने की जरूरत है। अब इसमें मैंने सिर्फ 4 राशियों को स्पेशल लिखा है, उनके ऊपर कष्ट क्यों रहेगा, तकलीफ क्यों रहेगी, परेशानी क्यों रहेगी, क्योंकि जो सूर्य और केतु की युति बुरे भावों में होगी, जहां पर सूर्य कमजोर हो जाएगा, जहां सूर्य ऑलरेडी कमजोर होगा और केतु के साथ होगा, वहां तकलीफ जरूर आएगी। सूर्य अग्निकारक प्लेनेट है, अग्निकारक है, आग वाला ग्रह जब ठंडे भावों में चला जाएगा तो उस समय खत्म हो जाएगा, वो उसको तकलीफ ज्यादा हो सकती है, तो आज मैं वही आपको बताऊंगा। अब शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी राशि ऐसी है, और ये सबको तकलीफ नहीं हो सकती, इसका भी ध्यान रखें। 4 राशि जो मैंने स्पेशल लिखी है, बाकी जो 8 राशि हैं उनके लिए अच्छा भी होगा, वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। मेष राशि की बात करता हूं, मेष राशि में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव अग्निकारक भाव होता है, सूर्य भी अग्निकारक है, आग का गोला, और वृश्चिक राशि अष्टम भाव में रहेगी केतु के साथ, यानी आग का गोला पानी के अंदर गिर गया तो क्या तकलीफ होगी आपको, इसका मतलब यह रहा संतान भाव का स्वामी अष्टम भाव में, मृत्यु तुल कष्ट होना। तो जो गर्भवती महिलाएं, उनको बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मेष लग्न वाली या मेष राशि वाली महिलाओं को बहुत सही सावधानी बरतने की जरूरत होगी, ये ध्यान कर लें आप, क्योंकि अष्टम भाव में जिनके बच्चे बाइक वगैरह तेज चलाते हैं, उनको भी सावधानी रहेगी, क्योंकि चोट दुर्घटना लगने का योग बनता है, और मदर को हार्ट से संबंधित तकलीफ कहीं ना कहीं आ सकती है। अगर आपकी माँ या पिता हार्ट पेशेंट है तो उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूँ। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
ये अवेयरनेस है, अगर आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में बता दिया जाए तो आप अपनी सावधानी बरत सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में छठे भाव के अंदर सूर्य बलवान होता है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 के अंदर बलवान होता है। लेकिन मैंने छठे भाव में केतु के साथ इसको देखा है, और एक और एक यहां पर है कि जो हम समझ नहीं पाते कि 12वें भाव में राहु है। अब छठे भाव में अगर सूर्य बैठा है, गोचर के सिद्धांत के हिसाब से 12वें भाव में अगर राहु है तो इसका वेध करता है, वेध यानी वध, उसको कहीं खत्म करता है, मारता है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो गई, मेष राशि में भी स्थिति खराब हो गई। इसलिए इसको भी हम ये कहेंगे कि मिथुन राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा, तकलीफ हो सकती है, और मिथुन राशि वालों को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगली राशि है सिंह राशि। अब सिंह राशि को क्यों लिया गया? सिंह राशि तो स्वयं की उसकी है, राशि का स्वामी, आपकी लग्न का स्वामी, सूर्य केतु के साथ है, चौथे भाव में है। चौथा भाव जल का होता है, जलीय स्थान है, अष्टम भाव जलीय स्थान है, छठा भाव पृथ्वी का स्थान है। अब पृथ्वी स्थान पर, पृथ्वी के ऊपर सूर्य केतु की युति और साथ में राहु की दृष्टि, ये एक नकारात्मक योग थी। तो यहां पर आपको स्वयं को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रख लें, तो ये राशि भी थोड़ी सी तकलीफ में रहने का योग बनता है। अगली राशि हमारे पास धनु। धनु राशि पर शनि की 7.5 ही चल रही है, शनि की 7.5 ही, शनि मार्केश भी है, तकलीफ देह है। पिता स्थान का स्वामी सूर्य है, 12वें भाव में है, अपनी राशि से चौथे है, अपनी राशि से जलीय स्थान पर है, चौथे भाव में है, 12वें भाव जल का होता है, सूर्य केतु की युति है, या आंखों में ऑपरेशन होना, आंखों में तकलीफ, और साथ में पिता के स्वास्थ्य को कोई ना कोई तकलीफ यहां पर हो सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो चार राशि मैंने आपको बताई है, तीन राशि तो वो हैं जो 4, 8, 12 में सूर्य जाएगा वहां तकलीफ देगा, वहां कमजोर हो जाएगा, और एक छठे भाव के अंदर भी कमजोर हो रहा है वहां पर, क्योंकि वहां 12वें भाव से राहु बैठ करके उसका वध कर रहा है। तो ये थी चार राशियां, इसमें कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको अवेयर करते हैं। अब मान लो कोई बच्चा आपका गाड़ी तेज चला रहा है ना, या कोई गर्भवती स्त्री है उसको तकलीफ हो रही है, वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही है, काम कर रही है, तो हम उसको सावधान करते हैं कि इस समय ये चीजें हो सकती हैं। अब यहां पर उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, केतु और राहु के एक्सिस के अंदर, केतु और राहु के अक्ष में आने के कारण यहां पर राहु केतु के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करें, केतु का और राहु का दान करें, पूरे 1 महीने अगर आप ये करते हैं तो यहां पर सूर्य मजबूत हो सकता है, और सूर्य को मजबूत करना चाहिए, माणिक आपको पहनना चाहिए और मेहरून रंग के कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे काफी बचाव किया जा सकता है। सूर्य को जल नहीं चढ़ाना, यहां पर सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते, पॉजिटिव एनर्जी इनहेल करने के लिए, तो आपको रिलीफ मिलेगा। मित्रों ये था सूर्य संक्रांति का फलादेश चार राशियों के लिए, बाकी 8 राशियों की जानकारी आपको अगले एपिसोड में देंगे।